हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्चना साकेत। टुडे माय टॉपिक इज प्रोटीन यूरिया, जो कि उसके हमने आगे बात कर चुके थे क्वांटिटेटिव मेथड क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू। ठीक है, आज हम बात करते हैं उसकी नॉर्मल रेंज के बारे में। तो नॉर्मल जो वैल्यू होती है प्रोटीन यूरिया की, नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 150 मिलीग्राम। पहले बात करते हैं हैवी प्रोटीन यूरिया, जिसमें क्या होगा ग्रेटर देन 3 ग्राम पर डे। ठीक है, कंडीशन में होती है नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ठीक है, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, डायबिटीज मिलेटिस, LSLE। ठीक है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ब्लड वेसल्स होते हैं, उनमें क्या होता है वो फट जाते हैं, रिलीजन होने लगता है किसी का रिलीजन होने लगता है, और क्या चीज़ का हो जाने लगता है, ब्लड वेसल्स का रिलीजन होने लगता है, और उससे ना ब्लड वाटर के थ्रू पास आउट होने लगता है। जैसे कि क्या होता है कि यूरिन, जब किसी पेशेंट को नेफ्राइटिक सिंड्रोम की डिसीज होगी तो उसकी क्या है, जो यूरिन आएगी बहुत ज़्यादा रेडिश आएगी। ठीक है, तो हम उससे समझ सकते हैं उसको नेफ्राइटिक सिंड्रोम की उसको प्रॉब्लम होगी। उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद हम बता सकते हैं इस चीज को। ठीक है, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, रीनल मींस होता है कि किडनी हो गई, वेन है जो किडनी की वेन्स है वो, और थ्रोम्बोसिस हम क्या, उसकी वेन में ब्लड का थक्का बन जाता है, रुक जाता है, वहां पर फिल्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हाई प्रोटीन यूरिया रिलीज होने लगता है। डायबिटीज मिलेटिस क्या होता है, डायबिटीज, जिस पेशेंट को हैवी डायबिटीज है, अब वो क्या है, एक ऐसी कंडीशन पे आ गया है कि उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगने लग रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या है, डायबिटीज मिलेटिस की शिकायत होती है, तो उस टाइम पे प्रोटीन यूरिया का रिलीजन ज़्यादा होने लगता है, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। ठीक है, SLE क्या होता है, SLE फॉर्म है सिस्टेमिक लोब्स इरिथमेटस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हमारे, जब हम माइक्रोस्कोपिक करते हैं यूरिन की स्लाइड को, तो उसमें क्या है, 40x का लेंस हम यूज करते हैं। जब हम 40x का लेंस यूज करते हैं तो उस स्लाइड में हमें क्या है, 5 है या 3 है या 4 है, हमें RBCs के सेल हमें दिख जाते हैं, तो हम क्या समझते हैं कि उसको इन सिस्टेमिक लूप इस्थमेटिस की प्रॉब्लम है, हाथ पैरों में स्वेलिंग होने लगती है। ठीक है, रेडिश हमारी आँखों की जो वाइट सी होते हैं कोई, उनमें क्या होता है, लाइने होने लगती, तो प्रोटीन यूरिया की शिकायत तो उसमें दिखती है। अब हम दूसरा पार्ट चलते हैं, मॉडरेट प्रोटीन यूरिया। अब ये क्या, मॉडरेट प्रोटीन यूरिया जो है वो क्या है, 3 ग्राम पर डे से कम है, मतलब कि ग्लोमेरुलोनेफ्रेटिक क्या होता है कि जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर जैसे गत्ती नुमा होता है, ग्रैनुल्स होते हैं, मतलब रे नामा, ठीक, उन रेसों में क्या होता है, स्वेलिंग आने लगती है। स्वेलिंग के साथ साथ वो ना अपनी जगह से फट से जाते हैं, तो वहाँ से जब वो फट जाते हैं, वहाँ से ब्लड का रिलीजन शुरू हो जाता है। जब रिलीजन शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। ठीक है, स्कोलियोसिस, इसमें क्या होता है, जो हमारी आर्टरी है, जैसे कि जो किडनी से जुड़ी हुई आर्टरी होती है, वो क्या होती है, हार्ड हो जाती है, जैसे कि क्या है कि वो हार्ड भी हो जाती है, प्लस वो स्मॉल भी होती चली जाती है, ठीक है, सिकुड़ती भी जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं नेफ्रोस्कोलियोसिस। ठीक है, मल्टीपल मायलोमा उसको बोलते हैं, जैसे कि कैंसर डिसीज, किसी पेशेंट को कैंसर की डिसीज है, और तो उसको क्या है, उस कंडीशन में बॉडी से प्रोटीन यूरिया ज़्यादा रिलीज हो रही है, तो हम उस कंडीशन में बोल देते हैं मल्टीपल मायलोमा। जैसे कि उसको क्या हो सकता है, बोन की प्रॉब्लम हो सकती है, बोन डिसीज हो सकती है कोई सी, ठीक है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, और उसको क्या है, किडनी की तो होगी मुश्किल, तो उस कंडीशन में हम उसको बोल देंगे मल्टीपल मायलोमा। पायलोनेफ्राइटिस क्या होती है, पायलोनेफ्राइटिस ये होते हैं कि वो क्या होता है कि उस पेशेंट को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि क्या है, वो ब्लड
ब्लैडर से हो यूथरा से होता हुआ, यूथरा से होता हुआ ब्लैडर से ब्लैडर में पहुंचा, ब्लैडर से होता हुआ वो किडनी तक पहुंच गया है, उस इन्फेक्शन को हम बोल देते हैं, उस कंडीशन को हम बोलेंगे पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइल्ड प्रोटीनूरिया। माइल्ड प्रोटीनूरिया मतलब कि ऐसा होता है, सपोज थोड़ा बहुत हाइपरटेंशन है या किसी को हल्का फीवर हो रहा है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है मल्टीपल प्रोटीनूरिया की कंडीशन हो जाती है, तो उसमें क्या है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में जैसे कि बीपी ज़्यादा अप डाउन हो रहा है, ठीक, और कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी भी बीपी अप डाउन हो रहा है, तो उस हाइपरटेंशन के कारण प्रोटीनूरिया का भी जो है रिलीजन वो कम हो जाता है। कितना हो जाता है, लेस देन 1.0 ग्राम पर डे, ठीक है, 1.0 ग्राम पर डे, ठीक है, इतना हो जाता है। तो फिर किडनी पॉलीसिस्टिक किडनी मतलब कि क्या है कि अगर ये कंडीशन बन रही है तो सपोज उस पेशेंट को क्या है स्टोन से रिलीज सिस्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उस टाइम को उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी। ठीक है, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है कि इसमें भी क्या है पेशेंट को एक डिफरेंट तरीके का इन्फेक्शन होता है, जैसे कि बार बार फीवर आ जाना, ठीक है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि क्रॉनिक उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, यूटीआई क्या है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई, सॉरी इस कंडीशन में भी हमारा क्या होता है एक वो मैंने बताया कि इन्फेक्शन होता है, जैसे और किसके थ्रू होता है कि एक हमारा है ईसीजी सिस्ट कोलाई, जो कि क्या है हमारे इंटेस्टाइन में तो मिलियन से मिलियन बैक्टीरियल होते हैं, जो कि क्या है कि वहाँ से हटके क्या है यूरिन ट्रैक में आ जाते हैं, तो यूरिन ट्रैक में जब आ जाते हैं तो वो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन फैला देते हैं, तो उस टाइम पे भी हमें ईसीजी सिस्ट कोलाई की बैक्टीरिया है जो कि क्या इन्फेक्शन फैला सकता है, एक प्रोटिस्ट नाम का बैक्टीरिया होता है वो की भी इन्फेक्शन फैला सकता है, और फीवर की भी कंडीशन में हमें क्या है माइल्ड प्रोटीन यूरिया आ सकता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और मुझे ना आप लाइक भी कर दिया करें, ताकि ऐसा होता है उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और कुछ कमी रहती है तो उसके लिए कमेंट्स भी कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब भी उसमें दूँगी। तो आई होप आपको इसमें कोई भी कमी लग रही हो, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो इससे एक सेपरेट मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें क्या है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सारे मेथड होंगे, अब वो ज़्यादा बड़ा नहीं 10 से 12 मिनट का ही बनाऊंगी, और उसमें क्या सारा जितना भी प्रोटीन यूरिया का है उसका सारा ही रिविजन उसमें करा दूँगी, और उसमें नॉर्मल भी सारे इंक्लूड करूँगी। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो, और मेरी कुछ मैं अभी घबरा जाती हूँ, उसके में भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बताइए, ठीक है, थैंक यू।